हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करूंगी पोटैटो डाइट प्लान। ये बहुत ही इजी, लो कॉस्ट और एक इफ़ेक्टिव डाइट प्लान है। इसे आपको 5 दिन तक फॉलो करनी है और इन जस्ट 5 डेज यू कैन लूज अप टू 3 kgs। तो देर ना करते हुए इसे कल से स्टार्ट करें। और सबसे पहले आप अपना वेट मेजर करें, फिर 5 दिन बाद वेट मेजर करें और खुशी में मेरे साथ रिजल्ट शेयर करना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सुबह उठ के लेना है लेमन वाटर। 1 ग्लास में 1 नींबू का रस निचोड़े, 200 ml गर्म पानी डालें, मिक्स करें और इसे सुबह लें। या फिर आप 2 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर के साथ गर्म पानी मिला के ले सकते हैं। नेक्स्ट ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में 1 लार्ज बॉयल्ड पोटैटो लेना है, उसके साथ 1 कप ग्रीन टी। आलू में कोई भी नमक या फिर स्पाइसेस ऐड नहीं होगा। नॉर्मल बॉयल्ड पोटैटो लेना है, या फिर आप 1 बेक्ड पोटैटो भी ले सकते हैं, उसके साथ 1 कप ग्रीन टी। आलू में बहुत सारे मात्रा में फाइबर, पोटाशियम, विटामिन सी और विटामिन B6 पाया जाता है, जो हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को नॉर्मल रखने में मदद करता है, हमारे हार्ट को हेल्दी रखते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस को ठीक करने में मदद करता है। आलू में बहुत सारे मात्रा में न्यूट्रिएंट्स भी पाया जाता है, जो हमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल लीड करने में मदद करता है। इसे छोड़ के भी ये हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्गर बनाते हैं, क्विकली डाइजेस्ट हो जाता है। एक मीडियम साइज़ का आलू में अप्रॉक्सीमेटली 170 कैलोरीज होते हैं, जिसे कंज्यूम करने से हमारे बॉडी से कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। इंस्टेंट एनर्जी मिलता है, मेटाबॉलिज्म को हाई कर देता है और वेट लॉस करने में मदद करता है। ये हमारे स्किन को भी ग्लोइंग बनाने में मदद करता है। नेक्स्ट, ब्रेकफास्ट के 2 घंटे बाद 1 क्यूकम्बर और उसके साथ इनमें से कोई भी 1 फ्रूट लेना है, कीवी, 2 स्लाइस पाइनएप्पल या फिर 1 छोटी कटोरी पपाया। नेक्स्ट लंच। लंच में पोटैटो एंड पनीर सलाद लेना है, या फिर आप 1 लार्ज बॉयल पोटैटो के साथ 100 ग्राम लो फैट दही, उसके साथ चॉप किया हुआ धनिया पत्ता, रॉक सॉल्ट पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, रोस्टेड जीरा पाउडर मिक्स करके वो भी ले सकते हैं। तो पोटैटो एंड पनीर सलाद बनाने के लिए मैं यहाँ पे 1 लार्ज बॉयल पोटैटो ले लिया, उसके साथ आधा चॉप किया हुआ क्यूकम्बर, 1 चम्मच चॉप किया हुआ प्याज, 3-4 चॉप किया हुआ चेरी टोमेटोस और उसके साथ चॉप किया हुआ धनिया पत्ता, थोड़ा सा रॉक सॉल्ट पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, आप चाहे तो इसमें रोस्टेड जीरा पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। फिर इसको अच्छे से मिक्स करें और इसमें 100 ग्राम लो फैट पनीर या फिर टोफू ऐड करें और इसको जेंटली मिक्स करें और तैयार है आलू एंड पनीर सलाद। ये आपको डिनर तक फुल रखने में मदद करेगा। हो सके तो लंच के 15 मिनट बाद फिर से 1 कप ग्रीन टी ले। अब मैं इसमें थोड़ा सा नींबू का रस ऐड कर रही हूँ, आप चाहे तो सलाद बनाने के टाइम में भी ऐड कर सकते हैं, इससे इसका टैंगी टेस्ट आता है। नेक्स्ट, इवनिंग स्नैक में लेना है 1 मीडियम साइज़ का एप्पल और उसके साथ 1 कप ग्रीन टी। और लास्ट मील में आप लेंगे आलू और ओट्स का चपाती, उसके साथ सलाद, या फिर आप किनुआ और आलू स्टर फ्राई भी ले सकते हैं 1/2 चम्मच देसी घी में। आलू एंड ओट्स चपाती बनाने के लिए मैं यहाँ पे 1 स्मॉल साइज़ का बॉयल पोटैटो को मैश करके 1 बोल में ले लिया। अब इसमें मैं 3 टेबलस्पून ओट्स का पाउडर डालूँगी। इसके साथ इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा रॉक सॉल्ट पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर और चॉप किया हुआ धनिया पत्ता और इसे अच्छे से मिक्स करूँगी। आप इसमें चाहे तो भुना हुआ जीरा पाउडर भी ऐड कर सकते हैं और मिक्स करते टाइम अगर आपको लगेगा कि इसे शेप देने के लिए थोड़ा सा ओट्स पाउडर और लगेगा तो आप ऐड कर सकते हैं और राउंड शेप में इसका लोई बना ले। ये देखिए, अब इसमें थोड़ा सा ओट्स पाउडर डाल के इसको बेलना है, बहुत ही ध्यान से इसको बेलना है क्योंकि ये रोटी बहुत ही सॉफ्ट बनता है। तो ये देखिए, मैं इसको धीरे धीरे ध्यान से बेल चुकी हूँ, तो इसका शेप ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। अब इसे तवे पे सेक लेना है। जब ये सेकने के बाद 2 साइड से लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए तब इसमें थोड़ा सा घी डालना है, 1/4 छोटी चम्मच घी 1 साइड में, फिर से दूसरा साइड में थोड़ा सा घी डालना है, ज़्यादा घी यूज़ नहीं करना है। मैं यहाँ पे बहुत ही थोड़ा घी यूज़ कर रही हूँ, आप देख सकते हैं, और इसे अच्छे से सेक ले, फिर से इसके थोड़ा सा सेक ले और हमारा आलू ओट्स चपाती बन के तैयार हो जाएगा। तो ऐसे हमें 2 चपाती लेना है। तो ये देखिए, मैं 2 चपाती बना लिया और इसे मैं लूँगी सलाद के साथ।
सलाद में मैं हाफ चॉप किया हुआ क्यूकम्बर, एक चॉप किया हुआ टमाटर, एक चम्मच चॉप किया हुआ प्याज, धनिया पत्ता, थोड़ा सा रॉक सॉल्ट पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर और रोस्टेड जीरा पाउडर डाल के यह सलाद बनाई हूँ। तो दो ओट्स एंड आलू का चपाती के साथ ये सलाद लेने से आपको पूरा रात फुल रखने में मदद करता है, पर कोशिश करें डिनर 8 बजे तक कंप्लीट करने की। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई, तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। ये डाइट प्लान अगर आप बंगाली में देखना चाहते हैं तो आप मेरे सेकंड चैनल रिमिस टिप्स एंड ट्रिक्स में ये डाइट प्लान को बंगाली में देख सकते हैं। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हेल्दी खाएं और स्वस्थ रहें।